अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल गुड। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। भाई थोड़ा सी लेट हो गई वीडियो, क्योंकि मैं अपडेट देना नहीं दी नहीं मैंने अभी तक। बाकी चाचा वगैरह आए हुए थे और कुछ लोग भी आए हुए, काफ़ी गहमा गहमी है फार्म पर, देख सकते हैं आप। मानी से भी डिस्कशन चल रहा है मामला। जो ऑनर्स हैं बछड़ों के वो भी आए हुए हैं, कुछ लोग हैं जो फार्म विज़िट करने आए हुए हैं। तो मैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह स्टार्ट करता हूँ वीडियो। अच्छा जी, तो भाई पर्दे गिर गए। बाकी आज की अपडेट थोड़ी सी मसरूफियात में लोग आए हुए थे, अभी भी लोग खड़े हैं, शाम का टाइम हो गया है और अभी एक और भाई आ रहे हैं। बाकी आप बछड़े देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। आज उसामा भाई आए थे, अल्लाह का शुक्र है पॉजिटिव उनका वो था कि माशाल्लाह वेट भी कर रहा है और हाइट भी कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आज इसको खोला था, चाचा ने इसका नाम रखा था, तो चाचा आज आए थे तो उन्होंने देख के बोला यार वाह बेहतरीन, माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। बाकी इसके हवाले से बात से लोग कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा बन रहा है ये भी। बाकी इसका तो लोग ही बोल रहे हैं कि भाई खोलो इसको। भाई कैसे खोल सकते हैं इसको, नसर भाई की बड़ी याद आ रही है, साफ सी बात है नसर भाई ही खोल सकते हैं इसको। आज वेट नहीं हो सकता क्योंकि आज जो है नसर भाई को असल में सुबह मैंने कॉल करी थी, नसर भाई की कॉल आई थी तो सुबह 9 बजे के करीब। मैंने बोला शायद आ रहे हैं, तभी आ गई है कि लेने आ जाओ, तो मैंने कॉल रिटर्न करी उनको, तो उन्होंने बोला यार मैं खड़ा हुआ हूँ मगर गाड़ी नहीं मिल रही है मुझे, माशाल्लाह ब्राउनी। तो उन्होंने कहा मुझे गाड़ी नहीं मिल रही है, गाड़ी जो भी आ रही है वो भरी हुई आ रही है, तो मैं आ नहीं पा रहा। तो मैंने बोला ठीक है आप देख लो, जैसी भी सहूलत हो, अगर गाड़ी खाली मिलती है तो आ जाओ, वरना अगर नहीं मिलती तो कल का कर लो इंशाल्लाह। तो फिर मैंने 1 घंटे बाद दोबारा कॉल करके उनसे पूछा कि आप आ रहे हो या नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं घर आ गया हूँ, गाड़ी नहीं मिली, तो इंशाल्लाह कल सुबह इंशाल्लाह वो लौटेंगे। इसी वजह से हमने आज वज़न भी नहीं किया, और वैसे भी वज़न नहीं कर सकते थे क्योंकि आज काफ़ी लोग आ रहे थे फार्म विज़िट करने और बछड़े देखने। तो बाकी ये नवाब माशाल्लाह अल्लाह नज़र बस से बचाए, काफ़ी लोग इसका भी मुझे कह रहे हैं काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस जा रही है। इनके भी ऑनर आज आके देख के गए, तो काफ़ी क्लाइंट्स और काफ़ी ऑनर्स वगैरह आज आए हैं, तो इसी वजह से थोड़ी सी लेट हो गई वीडियो। ये देखिए मस्ती चेक करें इसकी, आवाज़ देख रहे हैं सिम्बा की। बाकी काफ़ी लोग मुझसे बकरे उसका हुनैज वाले बकरे का मुझसे कह रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ वहाँ चल के। अच्छा जी, तो बकरों में तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत वाला मामला ही है, बछड़ों का भी मैंने आपको बताया। बाकी काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि भाई यार दूसरा ब्रीडर कहाँ है, दूसरा ब्रीडर कहाँ है। तो भाई वो हुनैज भाई के बकरे थे हमारे पास, तो एक दुम्बा था और एक ब्रीडर था इसी तरीके का, इससे अच्छा ही था माशाल्लाह। लेकिन उनकी असल में उन्होंने किधर इधर किधर ना करीब में ही फार्म अपना करा है, यानी कि उनके कज़न ने किया है, तो वो उनका इरादा बन गया कि मैं वहाँ लेके जा रहा हूँ अपने जानवर, यानी कि बकरे वगैरह। खैर कोई ऐसी वाली बात नहीं है कि यहाँ से सेटिस्फाई नहीं है, ऐसा वाला मामला नहीं है, लेकिन उन्होंने मैंने बोला कोई मसला नहीं है आप ले जाओ, तो वो अपने यानी कि अपने ही फार्म पे ले गए ताकि वो वहाँ अपने शौक़ पूरा कर लें, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। तो ये था, मैं काफ़ी वीडियोस मेरी आई उसके बाद, लेकिन मैं बिल्कुल बताना भूल गया और मुझे भी याद नहीं रहा कि दूसरा ब्रीडर चला गया है, तो बताऊँ मैं आप लोगों को। तो भाई दूसरा ब्रीडर जो ऑनर है उन्होंने अपने ही फार्म कर लिया, तो वो वहाँ ले गए, तो ये था मामला। बाकी प्रोग्रेस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है माशाल्लाह। ये जो दुम्बा है ना बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो गया है, काफ़ी हाइट कर ली है इसने माशाल्लाह, नज़र बस से बचाए।
सारे जो है ना प्यार कराने आना शुरू कर देते हैं। मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि भाई वो क्या नाम है, दूसरा ब्रीडर कहाँ है। अब मुझे याद ही नहीं रहता कि यार कहाँ है कहाँ गया। तो आपने अभी अभी देखा इससे भी अभी देखा भाई तो भाई वो उनैस भाई का थे बकरे ना, एक दुम्बा और एक बकरा। मैं भी अभी आपके कहने पे हाँ, तो मेरा जहन मेरे को पता है कि चला गया, लेकिन मुझे यहाँ आके याद नहीं रहता कि वो चला गया। तो काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई वो दूसरा ब्रीडर कहाँ है। तो मैंने बताया लोगों को भाई वो अपना फार्म कर लिया असल में ना करीब में, उन्होंने दोस्त ने मिल के ना, तो वो वहाँ ले गए अपना। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछली वीडियो मैंने उनकी बनाई थी, वो पूरे फुल सेटिस्फाई थे, ऐसे नहीं थे कि वो नॉन सेटिस्फाई होके लेके गए, सेटिस्फाई होके लेके गए। अग्रेसिव नहीं है क्यों? मैंने ब्रीडर अग्रेसिव नहीं है, मैं खोलूं इसको आपके आगे उस तरह वाला नहीं है ये एग्रेशन। मैं इसकी अगर तुम्हें वीडियो दिखाऊं ना तो ये इतना एग्रेशन था इसने, जो कंक्रीट पिलर होता है ना, जो बिल्कुल कॉलम जिसे कहते हैं हम लोग, कॉलम को इसने तोड़ के इसके सरिये दिख रहे थे, इसने सर मार मार के। आप वैसे ब्रीडर्स को देखें ना तो ये उनके में फ्रेंडली है थोड़ा। वैसे फ्रेंडली है क्योंकि ये माहौल में एडजस्ट हो गया, इस माहौल में एडजस्ट हो गया ना, सबसे ताल्लुक आते हैं इसके समझ लो। अगर कोई नया बकरा लाके इसके साथ छोड़ोगे ना तो उसकी रेड मार देगा। तो ये है, तो ये अब सारे बकरे आपस में वो हो गए, फ्रेंडली हैं तो एडजस्ट हो गए हैं, तो इसीलिए अब ये इतना एग्रेशन नहीं करता। अगर नया बकरा लाके छोड़ दो ये सब चढ़ना शुरू हो जाएंगे, सब मारना शुरू हो जाएंगे, खास करके दुम्बे जो हैं वो मारना शुरू कर देंगे। अलग करने का इरादा, हाँ इनका अलग करने का ना, मैंने बताया ना शेड बन जाएगा इंशाल्लाह। हाँ वजन में भी हो गए, ये तो बहुत छोटे छोटे आए थे यार। ये जो है ना ये हमजा भाई के हैं, ये और ये वाला बकरा, ये बकरा भी उन्हीं का, ये भी बहुत छोटा आया था। और वो पीछे जो खड़ा हुआ है वो तो बहुत बहुत ही छोटा, सबसे छोटा वो आया था, वो जो पीछे खड़ा हुआ है ना, हाँ वो जो बिल्कुल वो कोने पे जो खड़ा हुआ ब्राउन, वो बहुत छोटा आया था। लेकिन माशाल्लाह अब ग्रोथ, मैं इसकी वीडियो लगाऊंगा इसके साथ ना, इस वाले बकरे की। ये बकरा जो है ना दुम्बा, काफ़ी इसने चेंज भी किया है। और ये तो इसका तो ऑनर खुद जवाब देगा कि कितनी हाइट निकाली है इसने, माशाल्लाह। तो आप ये कजले में ना असल में, तो माशाल्लाह अभी और हाइट करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। चलें भाई, अभी भी कोई आ गया, देखो बताओ अभी भी कोई फैमिली आ गई है, गाड़ी खड़ी है सामने। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। खोर का काम जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया, एक खोर पक्की हो चुकी है, शेड लगना बाकी है। तो इंशाल्लाह जो भी जिन्होंने भी बुकिंग करी हुई है बछड़ों के हवाले से, तो वो इंशाल्लाह फरवरी के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह रابطہ कर लें और इंशाल्लाह वो उनको इंटरटेन कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, भाई मामू आ रहा है नहीं आ रहा? तुम्हें पता हमें क्या पता, मामू नहीं आ रहा आज, नहीं आ रहा कल आएगा इंशाल्लाह सुबह। ठीक है, तो साथ खरी, बाकी सब अमन चल रहा है, काम वाम सेट चल रहा है, हाँ कोई परेशानी तो नहीं है? सर्दी वर्दी तो नहीं? जैकेट क्या है तुम्हारी? तो जैकेट पहनो ना सर्दी में, तुम्हें क्या ठंड लग जाएगी फिर। चलें दोस्तों, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।